वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये दो पॉइंट देखे थे पिछले वीडियो में। अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दे हेल्प टू रेज अवेयरनेस अबाउट इश्यूज सच एज एनवायरमेंटल बैलेंस, जेंडर इक्वलिटी, क्लीनलीनेस। तो इस तरह के जो सोशल इश्यूज होते हैं ना, जैसे एनवायरमेंटल बैलेंस है, इक्वलिटी है, समानता जिसे बोलते हैं हम, या स्वच्छता है, इसके बारे में अवेयरनेस भी यानी लोगों को जागृत करने का काम भी मीडिया करता है। पीपल कैन बी फॉरवॉर्न अबाउट नेचुरल डिजास्टर्स लाइक स्टॉर्म, सुनामीज, फ्लड्स एक्सेट्रा। लोगों को अगर कोई आपत्ति आती है तो उस आपत्ति का सामना करने के लिए उनको पहले से ही वॉर्न किया जाता है, उनको पहले ही बता दिया जाता है कि भाई ये तूफान आने वाला है, या बाढ़ आने वाली है, या सुनामी होने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है। तो लोगों को पहले ही ये सब पता चल जाता है। दे बिल्ड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, एजुकेशनल फैसिलिटीज, गुड थिंग्स हैपनिंग इन सोसाइटी एक्सेट्रा। तो जो कुछ अच्छी बातें भी होने वाली होती है, या तो फिर एजुकेशनल फैसिलिटीज जो अवेलेबल होने वाली है, गवर्नमेंट कुछ प्रोवाइड करने वाली है, तो उसके बारे में भी हमें पता चलता है। जैसे कोरोना वैक्सीन का भी हमें पता चला है कि हमें कब मिलने वाला है, कहाँ से आने वाला है, ये सब चीज़ें हमें ऐसे अगर मीडिया नहीं होता था तो हमें पता नहीं चलता था, लेकिन हमें ये सब पता चला है मीडिया के कारण, न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके कारण हमें वो पता चलता है। दे हेल्प इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल। लोगों के लिए जो भी स्कीम गवर्नमेंट बनाती है वो हम तक पहुँचाने का काम भी मीडिया करती हैं। अवेयरनेस कैन बी रेज्ड अबाउट मैटर्स रिलेटेड टू फूड, क्लोज, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। दिस इम्प्रूव्स पीपल्स वे ऑफ लाइफ। और जो भी है, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके बारे में भी कुछ अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो वो हमें टीवी या न्यूज़पेपर में ये सब मिल जाती है जानकारी। मास मीडिया हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। व्यापार बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए भी मास मीडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अपना करती है। क्योंकि देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का अगर उसको बेचना है, उसका व्यापार करना है, तो उसके लिए एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत होती है। तो हमें न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल पे भी, हम न्यूज़ चैनल हो या कोई भी चैनल हो, चैनल जब भी सीरियल चलता है उसके बीच बीच में आप ऐड देखते हो, है ना, तो उस ऐड से क्या होता है, हम तक वो प्रोडक्ट पहुँचता है, उस प्रोडक्ट की जानकारी हमें मिलती है, तो हम वो ख़रीदने जाते हैं फिर। तो ये भी है कि व्यापार के लिए भी वो ज़रूरी होता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे फ़ायदा है वैसे नुकसान भी है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स कॉज डिसऑर्डर्स ऑफ द आइज, ईयर्स एंड बैक, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड आइसोलेशन एक्सेट्रा आर ऑल्सो पॉसिबल। टीवी या मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से हमारी आँखें खराब हो सकती है, या हमारा कोई भी बॉडी पार्ट जो है, हमें बैक पेन भी हो सकता है, कानों में तकलीफ हो सकती है, तो ये उसका नुकसान भी है। वी गेट ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टेलीविजन चैनल्स एंड इंटरनेट। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन बीइंग मिसयूज्ड टू डिस्टर्ब द पीस एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। कभी कभी मीडिया का गलत इस्तेमाल भी किया जाता है, टीवी चैनल है या इंटरनेट है या मोबाइल फ़ोन है, उसका गलत इस्तेमाल अगर होता है, या कोई भी जानकारी गलत तरीके से स्प्रेड करने की कोशिश की जाती है, कभी अफवाह फैलाने का काम भी लोग करते हैं, तो वो गलत इस्तेमाल भी उसका हो सकता है। टाइम स्पेंड ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू द निगलेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। आप देखोगे कि जो बच्चे घर में मोबाइल फ़ोन खेलते हैं ना, या कंप्यूटर पर खेलते रहते हैं, वो फिजिकली फिट नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर नहीं जाते हैं खेलने के लिए, आउटडोर गेम्स वो बिल्कुल खेलते नहीं है। इंडोर गेम्स खेलने के कारण, इंडोर इन द सेंस मोबाइल और कंप्यूटर खेलने के कारण क्या होता है, उनकी गर्दन दर्द देने लगती है, आँखें खराब हो जाती है, तो ये सब भी उसका दुष्परिणाम है। व्हेन अमोद, हु इज इन द फिफ्थ स्टैंडर्ड, कम्स होम आफ्टर स्कूल, ही विजिट सेवरल वेबसाइट्स ऑन हिज कंप्यूटर। ही नेवर मिसेस हिज फेवरेट टीवी शोज एंड ही प्लेज गेम्स ऑन हिज मदर्स मोबाइल फोन ऑल द टाइम। He is always sitting at home. Lately, his appetite has decreased. He is drowsy and has put on weight. अब देखो, ये जो है अमोद नाम का लड़का, ये क्या करता है, पूरा टाइम कंप्यूटर पे या कंप्यूटर पे खेलता रहेगा या टीवी देखता रहेगा, और बिल्कुल भी वो बाहर खेलने के लिए नहीं जाता है। इससे क्या हुआ, उसकी सेहत पर असर हुआ,
वो मोटा भी हो गया, उसका वेट भी बढ़ गया है। तो ये किसके कारण हुआ है? घर में बैठने के कारण। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? इसने क्या करना चाहिए? बाहर जाके आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, खेल कूद करना चाहिए। और घर बैठे बैठे जो वज़न बढ़ गया है, वो अगर वो बाहर जाता है खेलने के लिए, तो उसका वज़न अपने आप कम हो जाएगा और उसकी सेहत भी अच्छी हो जाएगी। अमोस मदर इज़ वरीड अबाउट हिम, व्हेन विल शी फील बेटर। अब देखिए, ऑलवेज रिमेंबर टेली कम्युनिकेशन डिवाइसेस शुड बी यूज प्रॉपरली एंड सेंसिबली, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू यूज़ देम एक्सेसिवली। हमें टेली कम्युनिकेशन की कोई भी डिवाइस रहे, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, टीवी है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसे हमें सावधानी से यूज़ करना है। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, वी कैन नॉट सी ईच अदर व्हेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन। न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ नाउ मेड दिस पॉसिबल ऑन द मोबाइल फ़ोन टू सी द पर्सन वी आर टॉकिंग टू। हम पहले के ज़माने के जो मोबाइल थे, उस पर हम किसी, मतलब जिससे बात कर रहे उसको देख नहीं पाते थे, लेकिन अभी हम वीडियो कॉल से ही उस इंसान को देख सकते हैं। तो इस लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा है? व्हाट वी हैव लर्न्ड? इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कौन कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है? न्यूज़पेपर है ना, टीवी है, रेडियो है। यूज़ ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेली कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया और एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ द यूज़ ऑफ मास मीडिया, ये सब हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो आपको अभी ये लेसन ध्यान से पढ़ना है। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है, मैं आपको उसका पिक भेजूंगी और आपको वो लिखना है। ओके, सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।